हाय गाइस, दिस इज रीना। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल वे फिट टुगेदर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा रेसिपी लेके आई हूँ जो कि घर में पड़े हुए रोटी से आराम से बन जाएगा। और ये इतना ज़्यादा डिलीशियस और क्रंची है कि आप सोच नहीं सकते कि ये बचे हुए रोटी से हमने बनाया है। और ये स्नैक्स पूरे फैमिली को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 रोटी जो मेरी बच गई थी। और फिर अब बाउल में हम लेंगे बेसन, जितनी रोटी हो उसके हिसाब से घोल बनाए। तो मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच सूजी डाला है। सूजी हमें इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्रंचीपन लाएगा उस हमारे रेसिपी में। फिर हमें इसके अंदर मिर्ची डालना है, जीरा पाउडर डालना है, हल्दी डालना है और धनिया पाउडर डालना है और नमक डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से, ये मिल जाए तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये जो घोल बनाएंगे हम इसे बहुत पतला नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि ये जो हमारी रोटी है उसके ऊपर आराम से लग जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहे, इस तरह से मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है कितना गाढ़ा है। अब हम रोटी लेंगे और उस रोटी को 4 फोल्ड हम इस तरह से कर लेंगे। पहले हाफ फोल्ड करके उसको इस तरह से कट कर लेंगे, देन हाफ को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारी जो रोटी है ट्रायंगल के शेप में कट जाएगी। तो एक रोटी से हमारे पास 4 ट्रायंगल के टुकड़े हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं, ईजिली कट हो जाएगा और शेप भी बहुत अच्छा आएगा, या फिर हाथ से भी आराम से कट ही जाता है। अब हम लेंगे 2-3 चम्मच सूजी और 2 चम्मच सफेद तिल। यस, इस रेसिपी के लिए हमारे पास सफ़ेद तिल का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेस्ट बहुत अच्छा देगा आपकी रेसिपी को। तो अब हम पैन में ऑयल को डालेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। तब तक हम उस रोटी पे ये जो हमने बैटर तैयार किया था वो लगा लेंगे। ये बेसन और सूजी का बना हुआ बैटर है, ये इसको लगाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। जब ये अच्छी तरह से सूजी और बेसन का जो पेस्ट है रोटी पे लग जाए दोनों तरफ, इसको अच्छी तरह से अलट पलट कर दोनों तरफ लगाए लग जाएगा। तो हम अब इसको रोटी को हम सूजी लिया है उसके ऊपर इसे कोट करेंगे। यस, ये रोटी के ऊपर सूजी और तिल अच्छी तरह से कोट होगा जो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा और हमारे डिश को क्रंची बना देगा। अब जब सूजी दोनों तरफ अच्छी तरह लग जाए तो अब उसको पलट पलट कर हमें जो वाइट तिल है उसको रोटी के ऊपर लगाना है इस तरह से। ये शाम के समय बहुत ही अच्छा नाश्ता हो जाता है चाय के साथ, स्नैक्स के साथ। अगर रोटी बच गई है, लग रहा है कोई नहीं खाएगा, ठंडी हो चुकी है, इस तरह से बनाए तो ये बहुत हेल्दी भी होता है, कोई मैदा यूज़ नहीं हुआ है। देन इसको आप जो तेल हमने लिया था उसके ऊपर डालेंगे। मैंने कम तेल लेके इसको शैलो फ्राई किया है, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसको इसी तरह से धीमी आँच पे पलट के पकाएंगे। और ये देखिए इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि क्रंची हो जाए। और इसी तरह से हम बाकी रोटियों के ऊपर भी इस तरह से इसका जो बैटर है लगा लेंगे। सूखा हुआ सूजी रखा है उसको उसे कोट कर देंगे दोनों तरफ। कोट करने के बाद हम इसको तेल में कोट करेंगे दोनों तरफ से पलट पलट के। 2 प्लेट में अलग अलग सूजी और तिल ले तो ज़्यादा ईजी होगा ताकि आप अच्छी तरह से उसे कोट कर पाए। और फिर इसी तरह से हम उसे पैन में डालेंगे। इसी तरह से सारे बचे हुए रोटी को हम इस तरह से बना लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपका बैटर इनकेस ख़त्म हो जाए तो आप और अपना बैटर इस तरह से रेडी करके रोटियों पे लगा सकते हैं। ये 2 रोटी से बना हुआ इतना सारा नाश्ता है जो बहुत ही इनफ है और शाम को चाय के साथ या फिर मॉर्निंग में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है घर पर बना हुआ हेल्दी सा नाश्ता।
बहुत ही झटपट बनता है। कभी समझ नहीं आए क्या बनाना है तो बहुत ही आसान सा है, घर में बची हुई रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस नाश्ता स्नैक्स बना सकते हैं जो आपके बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़े भी बड़े चाव से खाएंगे। अब इसको देखिए ये कितना क्रंची हो गया है, बिल्कुल अच्छा सा क्रंची सा हो गया है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये और दिखने में भी इतना सुंदर लग रहा है ये देखिए। इस तरह से हम पलट पलट के दोनों तरफ पकाएंगे और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। बन जाने के बाद इसको आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें या फिर सॉस के साथ खाएं या फिर चाय के साथ इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्रंची और चटपटा है। और इस तरह से बना ले सारा और एक क्रंची क्रंची कर ले, इसको धीरे धीरे पकाना है ताकि ये क्रंची बन जाए और निकाल के फिर इसको चाय के साथ सर्व करें और बाकी बचे हुए रोटी को भी इसी तरह से आप बना लें। आई होप आपको मेरा ये बचे हुए रोटी का यूज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स अपने आसपास सब के साथ शेयर करें ताकि वो भी अगर घर में रोटी बच जाए तो उसका अच्छा सा यूज़ कर सके, शाम को चाय के साथ इस डिलीशियस से रेसिपी को इंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं हम एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ जो घर में ही पड़े हुए चीज़ों से आसानी से हम बना सकते हैं, जो टेस्टी और डिलीशियस भी हो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।